बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई चिकन टिक्का पॉकेट। अब हम बनाना शुरू करते हैं। एक पीस मैंने बोनलेस चिकन का रखा है, ब्रेस्ट का पीस। इसकी मैं अब कटिंग करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखें, इस तरह मैंने छोटे छोटे पीसेस किए हैं चिकन के। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट, 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून वाइट पेपर, 1 टीस्पून ये सब्ज़ मिर्चें चॉप करके ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। ये चिकन स्टफ़ थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, 2 टेबलस्पून डेरी क्रीम ऐड कर रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। ये थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। ये पैन मैंने रखा है, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जो चिकन जो मैंने मैरिनेट करके रखा है, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। मीडियम फ्लेम पे इसको कुक कर रही हूँ। ये जो क्रीम मैंने ऐड की है, आप इसकी जगह मलाई भी ऐड कर सकते हैं अगर घर में है तो। क्रीम हो तो क्रीम ऐड कर लें, मलाई हो तो मलाई ऐड कर लें। अब मैंने इसको कवर करके लो फ्लेम पे रख दिया। 3 मिनट हो गए लो फ्लेम पे रखे हुए कवर करके। चिकन मलाई टिक्का रेडी हो गया। अगर आप स्मोकी पसंद करते हैं तो इसमें गरम कोयला रख के उस पर ऑयल डालें और इसको कवर करके रखें तो स्मोकी बन जाएगा। मैं स्मोकी नहीं कर रही। ब्रेड को मैं इस मोल्ड के साथ इस शेप में कटिंग करूंगी। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी शेप बनी है। ये 3 अंडे लिए हैं। ये पहले अंडे का कोट करती हूँ, फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स का कोट करती हूँ। ये देखें, ब्रेड क्रम्स लगा के मैंने रखे। अब मैं इनको फ्राई करती हूँ। ये ऑयल मैंने रखा हुआ है गर्म होने के लिए। ये देखें, ऑयल गर्म हो गया। अब हम इनको फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सब कौम को पता चल गया कि मुझे पकड़ लगा है, अब लोग जमा होने शुरू हो गए और वो बढ़ते बढ़ते वो लोग काफी ज्यादा हो गए। आगे अब ये सदर आगे हम जाते, मुझे इतना पता कि अफरा तफरी मची हुई है और देखिए जो ब्रेड है बीच में इसको अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो इन्होंने मेरे वॉलेट लगा दिए, फिर फिनिश तैयारी बना दे। अब मैं वहां से फिर चला और पुलिस की रुकावटें कंटेनर्स करते करते ये ब्रेड का पीस मैंने सेपरेट कर दिया, ये पॉकेट। अब मैं इसमें कोट करती हूँ और फिर फिल करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये इसी तरह मैं सारी पॉकेट बनाऊंगी। ये इस तरह पॉकेट बना के आप रख भी सकते हैं जब आपका दिल करे, तो मलाई चिकन टिक्का इसमें ऐड करके पॉकेट बना के सर्व करें। ये देखें, ये इस तरह मैंने ये पॉकेट्स बनाई हैं। ये एक पीस के दो दो भी आप सेंटर में कट करके दो दो भी बना सकते हैं। मैंने ये थोड़ा सा बड़े साइज़ का बनाना था तो मैंने एक एक पीस बनाया। ये देखें, हमने पॉकेट की कटिंग कर ली है। अब हम इसमें ये टमाटो केचप और मायनीज मैंने मिक्स की है उसको अप्लाई कर रही हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब ये मलाई चिकन बास्केट में डालते हैं। ये देखें जी, मलाई चिकन टिक्का पॉकेट रेडी है। बहुत मज़े की बनी है, रमज़ान स्पेशल रेसिपी। अगर आपको हमारी चिकन मलाई टिक्का पॉकेट की रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। दुआओं में याद रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।